हेलो बच्चों, मैं राजन चतुर्वेदी हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा पर। और ये वीडियो नंबर 3 है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का। इस वीडियो को देखने वाले लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने इसके पहले के दोनों वीडियो नहीं देखे हैं उसको जरूर देखें, तभी आपको सारे लॉजिक्स समझ में आएंगे और क्लियर होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कूलाम के नियम की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। फ्रांसीसी साइंटिस्ट कूलाम ने चार्जेस के बीच लगने वाले बलों, विद्युत बलों के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उस निष्कर्ष को कूलाम के नियम के रूप में प्रतिपादित किया। तो आप कह सकते हैं कूलाम के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी साइंटिस्ट कूलाम ने 1785 में अपने एक्सपेरिमेंटल आधार पर किया, अर्थात इसका कोई आपको डेरिवेशन नहीं मिलेगा। डिडक्शन हो सकता है कहीं से कि आगे आपको करके दिखाएं, और आप याद रखें कि डेरिवेशन और डिडक्शन में अंतर होता है। तो यह एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ है और इस नियम को एज इट इज हम मानते हैं क्योंकि यह हर जगह लागू होता है। इस लेक्चर में हम कूलाम के नियम की बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे और उसकी लिमिट भी जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या है, क्या कारक उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम कूलाम के नियम को पढ़ करके आगे क्या क्या कहाँ कहाँ पर कूलाम के नियम को अप्लाई करेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि कूलाम के नियम की लिमिटेशन क्या है, ये कहाँ तक लिमिट इसकी बनती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कूलाम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की। सपोज करिए कूलाम ने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में देखा कि हमारे पास मान लीजिए दो गुब्बारे हैं यहाँ पर जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर, बहुत नजदीक दूरी पर हैंग कर दिए गए हैं, टांग दिए गए हैं। मान लेते हैं कि ये गुब्बारा ए है और ये गुब्बारा बी है। कूलाम ने यह देखा कि जब इन दोनों गुब्बारों को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में स्थिति क्या होती है कि उन्होंने मान लीजिए इसको एक कूलाम आवेश दिया और इसको भी एक कूलाम आवेश दिया, दोनों को पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है। तो दोनों को जब उन्होंने एक एक कूलाम आवेश दिया तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ गया। फिर उन्होंने इस पर आवेश का जो परिमाण था वो दो कूलाम किया, तो इसको जब उन्होंने दो कूलाम आवेश दिया तो इनके बीच का जो सेपरेशन था एक कूलाम की स्थिति में वो और ज्यादा बढ़ गया। फिर इन्होंने इस पर जब 3 कूलाम का आवेश दिया ए और बी को, दोनों को 3 कूलाम आवेश से चार्ज किया तो ए और बी का सेपरेशन और बढ़ गया। फिर इसी तरह से उन्होंने यह देखा कि जैसे जैसे गुब्बारे ए पर या वस्तु ए पर और वस्तु बी पर आवेश की मात्रा को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो बढ़ता जाता है। प्रतिकर्षण क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो दोनों पर लाइट चार्जेस है तो इनमें रिपल्सन होगा। उन्होंने उस डाटा को इकट्ठा किया और डाटा के आधार पर यह पाया कि आवेश बढ़ाने के साथ इन गुब्बारों के बीच की दूरी जिस हिसाब से बढ़ती है वो, मतलब फोर्स, दूरी क्यों बढ़ी? क्योंकि जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने देखा क्या कि जैसे जैसे इन ऑब्जेक्ट्स पर जो चार्ज की मात्रा है उसको जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ती जाती है। क्यों स्पेसिंग बढ़ती जाती है? क्योंकि एक दूसरे को रिपल करेंगे और रिपल करेंगे तो एक दूसरे से ये दूर होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि इन दोनों बीच लगने वाला जो फोर्स है वो इन दोनों पर उपस्थित आवेशों के प्रोडक्ट के अनुपमानुपाती होता है। तात्पर्य उन्होंने जो डाटा इकट्ठा किया उस डाटा के आधार पर देखा कि इनके बीच की जो सेपरेशन है अर्थात इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के अनुसार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बीच का सेपरेशन भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो उन्होंने इन दोनों को दिए गए आवेश और इनके बीच होने वाले सेपरेशन की मेजरमेंट की, और मेजरमेंट करके जब उन्होंने डाटा इकट्ठा किया तो डाटे में ये पाया कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स या इनके बीच की जो दूरी बढ़ने की दर है वो दूरी बढ़ने की दर दोनों वस्तुओं पर उपस्थित आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के बराबर है। जहां पर Q1 क्या है? Q1 वस्तु A पर चार्ज है और Q2 क्या है? वस्तु B पर चार्ज है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। फिर उन्होंने देखा
कि अगर वस्तुओं पर हम चार्ज समान रखें, चार्ज समान रखने का मतलब है इस बार चार्ज को ना बदलें, चार्ज ना बदलें और इनके बीच की दूरी को बदलें, यहां एक कूलाम आवेश रहने दें और यहां भी एक कूलाम आवेश रहने दें, तो उन्होंने देखा इनके बीच का जो फोर्स है, अगर इनके बीच की दूरी हम मान लें कि आर है, तो उन्होंने डाटा इकट्ठा किया और उसमें यह पाया कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो आर स्क्वायर वन अपान आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अर्थात कि इन दोनों नियमों को मिला करके हम ये कह सकते हैं कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, अर्थात दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल वैद्युत बल है वह वैद्युत बल उन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और बीच की जो डिस्टेंस है या सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यही कूलाम का नियम है। और सबसे खास बात कि कूलाम का ये जो नियम है वो बिंदु आवेशों के लिए काम करता है। बिंदु आवेशों का तात्पर्य है कि हमने ये जो चार्ज सिस्टम कंसीडर किया, अब इसको हम थोड़ा सा और बिंदु आवेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बिंदु आवेश का तात्पर्य क्या है, अर्थात कि अगर यहां पर दो पॉइंट चार्जेस हैं क्यू वन और दूसरा पॉइंट चार्ज है क्यू टू, तो बिंदु आवेश का क्या तात्पर्य है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमको बिंदुवत नहीं दिखता, लेकिन अगर हम तारों को देखते हैं तो तारे हमको बिंदुवत दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि सूर्य हमारे नजदीक है इसलिए वो बिंदुवत नहीं दिखता, और तारे हमसे बहुत ज्यादा दूर है इसलिए वो बिंदुवत दिखते हैं, जबकि बहुत सारे तारे हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो चार्ज है, अगर जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, तो ऑब्जेक्ट ए और बी की जो डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है उसमें, वो डायमेंशन अगर इसके सेपरेशन के कंपेरेबल, अर्थात इनके बीच की दूरी आर बहुत ज्यादा हो, इनके बीच की दूरी आर ज्यादा हो इनकी आकृति की अपेक्षा, तो कहेंगे कि ए और बी का व्यवहार बिंदुवत है, तो कहेंगे कि ए और बी का व्यवहार बिंदुवत है। तात्पर्य कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा उसको हम बिंदुवत कब कंसीडर कर सकते हैं, जब दोनों ऑब्जेक्टों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उन ऑब्जेक्टों की जो साइज है उस साइज से बहुत ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 सेंटीमीटर रेडियस वाली कोई बाल है, अगर उसके बीच की दूरी 1 मीटर रख दी जाए तो 2 सेंटीमीटर की जो उसकी रेडियस है वो छोटी सी बाल होगी और उसका व्यवहार जो होगा वो बिंदुवत होगा। तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए इन्होंने बताया। तो आपको याद रखना है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उन दोनों पॉइंट चार्जेस पर उपस्थित चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल तथा उनके बीच का जो सेपरेशन है अर्थात जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर है, तो आप यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाने पर इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के, ये कैपिटल के है, के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। यहां पर जो ये के है इसको एक्सपेरिमेंटली जब डिटरमाइन किया जाता है तो K की वैल्यू, मतलब जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है SI यूनिट में K का जो मान होता है वो K का मान लिया जाता है 1/4πε0 K, ये स्मॉल K है, या ऐसा करते हैं कि सिंबल ही चेंज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मान लेते हैं ये बीटा है, तो हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 1/4πε0 K। अब यहां पर दो चीजें नहीं आएंगी, दो चीजें नई कौन कौन सी आएंगी, एक तो 4π तो कांस्टेंट टर्म है, एप्सिलॉन नॉट और के, इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले हम इसको फॉर्म में लिख लेते हैं जो इसकी प्योर फॉर्म बनेगी। फॉर्म बनेगी एफ इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। अब यहां पर ये फार्मूला लिखा गया है, इस फार्मूले में दो चीजें आती हैं एप्सिलॉन नॉट और के, तो यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी,
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अर्थात निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। जरा ध्यान दें, परमिटिविटी, परमिटिविटी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है वैद्युतशीलता, क्योंकि देखने वाले बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों के हो सकते हैं। तो वैद्युतशीलता का क्या तात्पर्य है? नाम से स्पष्ट है परमिटिविटी। परमिटिविटी को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, तो अगर आप बदमाशी करना चाहते हैं तो मम्मी पापा के डर से आप बदमाशी कम करते हैं, क्योंकि मम्मी या पापा कोई ना कोई आपको थपड़िया देगा क्योंकि आप बदमाशी कर रहे हो। लेकिन अगर आप मम्मी पापा के घर से आप अपने नाना नानी के यहाँ चले जाते हैं, तो क्योंकि आप जानते हैं नाना नानी आपको बहुत प्यार करते हैं, तो नाना नानी के यहाँ आप बदतमीजी ज़्यादा करने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बदमाशी करने की परमिटिविटी जितनी आपको अपने नाना नानी के यहाँ है, उतनी परमिशन आपको अपने खुद के घर में नहीं है। अर्थात कि आप जब बदमाशी, क्या उसको बच्चे अपने शब्दों में खेलना कूदना ही कह सकते हैं, तो बच्चे जब बदमाशी करते हैं तो बदमाशी अपने घर में मम्मी पापा के सामने कम कर पाते हैं, नाना नानी के यहाँ खूब करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि नाना नानी के यहाँ बदमाशी करने की परमिशन ज़्यादा है, छूट ज़्यादा है, और आपको अपने घर में बदतमीजी करने की या बदमाशी करने की परमिशन कम होती है। ठीक इसी प्रकार जब हम दो बिंदु आवेशों को किसी मीडियम में रखते हैं, तो मीडियम में रखने का एक और एग्जांपल जिससे इसको समझ लें, जैसे मान लीजिए हम अपने हाथ पांव को ऐसे हाथ को हम ऐसे ऐसे चलाना चाहते हैं, तो अगर हम हवा में हैं तो हम इस हाथ को फ्रीली, बहुत फ्री करके मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पानी में चले जाएं तो पानी में हाथ चलाने हमारे लिए क्या होगा? दिक्कत वाला काम होगा। तो इसी तरह हम जब मीडियम चेंज करेंगे तो हमारा जो मोशन होगा वो इफेक्टेड होगा। तो इसका मतलब ये है कि सिंपली आप ये कह सकते हो कि जितना स्वतंत्रता से हम हवा में चल सकते हैं, उतनी स्वतंत्रता से हम पानी में नहीं चल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मीडियम एक प्रकार का कुछ परमिशन दे रहा है कि जितनी मोशन की परमिसिबिलिटी आपको एयर में है, उतनी मोशन की परमिसिबिलिटी आपको वाटर में नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब हम दो पॉइंट चार्जेस को मीडियम चेंज करते हैं, मीडियम चेंज करने का मतलब कि हम मान लीजिए एयर में हैं, तो उन दोनों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको मीडियम बदल देने पर उनके बीच लगने वाला फोर्स बदल जाता है। आगे हम न्यूमेरिकल के माध्यम से भी आपको चर्चा करके बताएंगे अभी। तो यहां पर सिंपली परमिटिविटी या विद्युतशीलता का तात्पर्य है कि किसी मीडियम में, यह मीडियम का प्रभाव है, किसी मीडियम में दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना प्रभावी होगा, यह इसको बताने के लिए। क्यों? क्योंकि वैद्युत बलों पर मीडियम का प्रभाव पड़ता है। मीडियम का प्रभाव पड़ता है तो इसके साथ में आपको एक और बात याद दिला दें, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में आपने क्या पढ़ा है जरा बताइए? आपने पढ़ा है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मैं दो मासेस के बीच में लगने वाला जो बल होता है जी M1 M2 बटे R स्क्वायर होता है। लगभग कूलाम के नियम के जैसा ही ये भी है, लगभग कूलाम के नियम जैसा है। लेकिन दोनों में एक ह्यूज डिफरेंस है। ह्यूज डिफरेंस ये है कि यहां पर जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जी का मान सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अर्थात कि दो पिंडों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम बदलने पर नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इस पर मीडियम का कोई प्रभाव नहीं है। जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो कूलाम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है उस पर मीडियम का प्रभाव पड़ता है। तो ये आप कह सकते हैं कि यहां मीडियम का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस पर मीडियम का प्रभाव पड़ रहा है। तात्पर्य कि अगर दो पॉइंट मासेस, दो द्रव्यमानों को हम हवा में रखें, पानी में रखें, निर्वात में रखें, तेल में रखें, कहीं भी रखें, मीडियम कुछ भी हो, उन दोनों पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन
अगर हम कहीं पर दो पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं Q1 और Q2 की, तो दो पॉइंट चार्जेस को अगर हम मीडियम बदलेंगे तो मीडियम बदलने पर उनके बीच लगने वाला जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाता है और माध्यम के इसी प्रभाव को एनरोल्ड करने के लिए यहां पर हमने क्या रखा है, परमिटिविटी लगाई है फ्री स्पेस की, या जब माध्यम की होगी तो माध्यम के लिए इसको एप्सिलॉन लिखेंगे। नॉट आप लोग जानते हैं कि नीचे सिंबल जो नॉट लगाते हैं वो फ्री स्पेस के लिए अक्सर लगता है, तो यहां पर अगर कोई मीडियम होगा तो मीडियम के लिए हम क्या लगा देंगे, यहां एप्सिलॉन लगा देंगे, लेकिन तब के नहीं होगा, के अभी आएगा, उसका हम रिलेशन बताएंगे क्या है इसके साथ में। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि इसको आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के, और यहां पर के जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब प्रश्न उठता है, हमें उम्मीद है कि परमिटिविटी आपको समझ में आ गई हो, सिंपल सी मीनिंग है परमिटिविटी का, मतलब कि कोई भी माध्यम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना परमिट करता है, माध्यम का प्रभाव होता है इन फोर्सेस पर, जबकि न्यूटन के नियम में जो फोर्स बताया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर माध्यम का कोई प्रभाव नहीं होता, ये दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। यहां पर के की बात करें, के माध्यम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में हम चर्चा करेंगे। ये परावैद्युतांक जो होता है, आज इसमें भी आएगा अभी थोड़ी देर में, कि परावैद्युतांक हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये किसी मीडियम के लिए एक कांस्टेंट है, कैसे डिटरमाइन करेंगे अभी आगे बात करते हैं, पहले इसको हम और एक्सटेंड करते हैं। सबसे खास बात जो इसमें इंटर के बच्चे पढ़ रहे होंगे वो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर कर चुके हैं वो जानते हैं, एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स में हम क्या कहते हैं कि वह बल जो सदैव किसी बिंदु की ओर दिष्ट हो या बिंदु से परे हो, बिंदु की ओर दिष्ट हो या बिंदु से परे हो का तात्पर्य उसको समझने से पहले सबसे पहले इसमें थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि कूलांग के नियमानुसार दो बिंदु आवेश जो है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स यहां पर दिया गया है। हमने K परावैद्युत कांस्टेंट वाले मीडियम में इन दोनों चार्जेस को रखा है। मान लीजिए जैसे ये हवा होती, तो हवा के लिए जो K का मान होता है वो K का मान होता है 1.0059। अगर स्पेस है, निर्वात है, तो निर्वात के लिए के का मान क्या होता है, 1। ये निर्वात के लिए लिखा गया है, कांस्टेंट थिंग है ये, और ये जो है ये वायु के लिए लिखा गया है, अर्थात एयर के लिए लिखा गया है। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम फोर्स इस नियम के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो अब एक प्रश्न उठता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल लगाने के दौरान जब बच्चे डायरेक्शन नहीं देखते हैं तभी वो परेशान होते हैं, उनका आंसर नहीं आता और न्यूमेरिकल हल नहीं होता। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल लगाने के दौरान आप क्या करेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन को देखेंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कूलाम ने यह बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों पर उपस्थित चार्जेस, अर्थात चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। साथ में उन्होंने बताया कि यह फोर्स उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अनुदिश लगेगा, अर्थात Q1 क्या करेगा, Q2 पर फोर्स लगाएगा। तो Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम कोई नाम दे देते हैं, तो उसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। जिस पर लगेगा उस पर उसको पहले लिखेंगे और जो लगाएगा उसको बाद में लिखेंगे। इसका मतलब ये दूसरे वाले पर फोर्स है पहले के कारण, रिपल्सन फोर्स है तो बाहर की ओर धक्का मारेगा। Q2 जो है Q1 पर लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड में होगी, और इसको लिखेंगे यप 1 2, अर्थात 1 पर फोर्स दूसरे के कारण। ठीक, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो इन दोनों के बीच फोर्स होगा वो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगी। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर हमारे पास तीन चार्जेस का हम सिस्टम मान लें कि हमारे पास तीन चार्ज है, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, और यहां पर तीसरा एक चार्ज है Q3, ऐसे, तो अब यहां पर जब चार्जेस की बात करेंगे तो फोर्स कैसे लगेगा। मान लीजिए सारे पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है, तो सबसे पहले क्या होगा, Q1
कि Q3 पर ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, Q1 क्या करेगा, Q3 पर फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश, अर्थात इस साइड में फोर्स लगेगा और इस साइड में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, उस फोर्स को हम लिखेंगे F31, अर्थात तीसरे पर लगने वाला फोर्स पहले के कारण, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश ही लगेगा। अगर ये माइनस चार्ज होता, अगर Q3 माइनस चार्ज होता तो Q3 माइनस चार्ज होने पर फोर्स की डायरेक्शन बेटा चेंज हो जाती और फोर्स की डायरेक्शन किधर लगती, इधर की ओर लगती, क्योंकि तब ये दोनों के बीच में क्या होता, आकर्षण होता। तो याद रखिए, अगर ये पॉजिटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर की ओर, अगर निगेटिव होगा तो आकर्षण के कारण फोर्स की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। अच्छा ध्यान दें, तो Q3 पर Q1 ने फोर्स लगाया तो उसको लिखा हमने 3 पर लगने वाला फोर्स 1 के कारण। अब क्या होगा, Q2 भी Q3 पर फोर्स लगाएगा, तो Q2 जब Q3 पर फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स को दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या है, ये Q2 है और ये क्या है, Q3 है। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा ये हुई, दोनों को मिलाने वाली रेखा यही हुई, ये क्योंकि दोनों धनात्मक है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा उधर ही लगेगा, तो ये प्रतिकर्षण बल लगेगा इस डायरेक्शन में। इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, अर्थात तीसरे फोर्स दूसरे के कारण, अर्थात तीसरे वाले पर फोर्स दूसरे वाले के कारण। तो यहां पर दोनों पे बल लग गया। अब क्या होगा कि अब बल की डायरेक्शन, अब क्योंकि Q3 पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो कोई कहे Q3 पर रिजल्टेंट फोर्स प्राप्त करिए, तो आपने 11th में वेक्टर ला पढ़ा होगा, और दो वेक्टरों का परिमाण कैसे निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियमानुसार। तो समांतर चतुर्भुज के नियमानुसार ऐसे समांतर चतुर्भुज खींचेंगे इस फोर्स और इस फोर्स का, चलो इसको बोल देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि ये F1 है, और इस फोर्स को बोल देते हैं ये क्या है, F2 है। तो F1 और F2 का जो परिणामी होगा वो ये खींचा जाएगा, ये क्यों, क्योंकि ये F1 है और F1 में हमने क्या जोड़ दिया, F2 जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, F1 धन F2, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स F। तो अगर हम Q3 को ध्यान दें, अगर हम Q3 को मान लीजिए ये जो चार्ज है ये फिक्स है, ये भी चार्ज फिक्स है, अगर हम Q3 को स्वतंत्र कर दें, अगर हम Q3 को स्वतंत्र कर दें, तो स्वतंत्र कर देने पर Q3 ना इधर जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जिधर है उधर जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स किधर है, ऊपर की ओर है, तो ये Q3 जो होगा वो सीधे ऊपर की ओर भागता हुआ चला जाएगा स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करते हुए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये सब काम आएगा आपके। तात्पर्य कि कूलाम ने न सिर्फ ये बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स 1/4πε0KQ1Q2r² होता है, बल्कि ये भी बताया था कि इस फोर्स की डायरेक्शन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा। किन्हीं दो के बीच चार्ज, उन दोनों को लाइन मिला दीजिए, और अगर प्रतिकर्षण है तो बाहर की ओर, अगर आकर्षण है तो अंदर की ओर फोर्स की डायरेक्शन मार्क कर दीजिए। और खास बात, अगर एक चार्ज पर दो या दो से अधिक फोर्स लग रहे हैं, तो आपने देखा इस पर दो फोर्स लग रहे थे, कौन से, Q3 पर, Q2 भी Q3 पर फोर्स लगा रहा था इधर बाहर की ओर, और Q3 पर Q1 भी फोर्स लगा रहा था बाहर की ओर, तो इस पर दो फोर्स लग रहे थे, उसको हमने नाम क्या दिया था, F2 और F1। तो इस पर लगने वाला नेट परिणामी बल जो होगा वो F1 और F2 का वेक्टर एडिशन होगा। और वेक्टर एडिशन क्या होता है बेटा, वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा 11th में, क्या होता था, R² = (a² + (b² + 2ab cos θ), थीटा ए और बी के बीच का क्या होता था, कोण होता था। तो यहां पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, यहां पर ये F1 है और ये F2 है, तो इनके बीच का परिणामी बल क्या लिखा जाएगा, F² = (f1² + (f2² + 2f1f2। बताओ यहां cos थीटा कितना है, ये देखो F1 और F2 के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है, कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री। सब लोग जानते हो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो ये टर्म हो जाएगा खत्म।
और ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, या एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर। अब अगर आपको इनका मान दिया गया हो तो आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो कुल मिला करके ये न्यूमेरिकल में सब काम आएगा, लेकिन आपको जो बताया गया वो ये बताया कि कूलाम का नियम जो होता है दो पॉइंट चार्जेस के लिए उसका ये फार्मूला है, ये दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य होगा, और बिंदु आवेश होते क्या है वो मैंने अभी बताया, आपने सुना, किसी दो पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला जो बल का डायरेक्शन होता है वो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अंदिश बाहर की ओर या अंदर की ओर होगा, डिपेंड करेगा कि वो आकर्षण का है या प्रतिकर्षण का है। फिर मैंने बताया कि यदि किसी चार्ज पर दो या दो से अधिक चार्ज बल लगा रहे हो तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे प्राप्त करेंगे, वेक्टर एडिशन लॉ जो आपने 11th में पढ़ा था और भली भांति आप परिचित हैं, या आपके सामने फार्मूला लिखा गया है। ठीक, अब थोड़ा सा कूलाम के नियम के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। कूलाम के नियम के बारे में और चर्चा आपके लिए जो जानकारी है वो ये है, ये जो फार्मूला लिखा गया है इस फार्मूले में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फॉर फ्री स्पेस या सिंपली स्पेस ही कह दीजिए खाली तब भी काम चलेगा, फ्री स्पेस के लिए k का जो मान होता है वो 1 होता है। अब मीडियम का क्या प्रभाव पड़ता है मैं ये बताना चाहता हूं। तो इसका मतलब अगर निर्वात में दो पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं तो निर्वात में अगर दो पॉइंट चार्जेस रखे गए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, इसका तात्पर्य है दो पॉइंट चार्जेस q1 और q2 इनके बीच की दूरी r है, ये कहां रखे गए हैं, निर्वात में रखे गए हैं अर्थात स्पेस में रखे गए हैं, पहला केस ये है। ठीक, और निर्वात में रखे गए तो निर्वात में आप जानते हो नॉट लगा देते, तो स्पोर्ट फॉर्म क्या लगा देते हैं, नॉट। ये नॉट क्या है, q1 और q2 के बीच लगने वाला फोर्स निर्वात में। अब हम इन्हीं चार्जेस को वाटर में लेकर रख देते हैं, अर्थात दूसरा केस हम कंसीडर इधर कंसीडर कर लेते हैं, दूसरा केस हम ये रखते हैं कि q1 है वही q2 है और उनके बीच की दूरी भी वही r है, लेकिन इस बार इन दोनों चार्जेस को हमने कहां रख दिया, वाटर में। वाटर का मतलब क्या होता है बेटा, पानी। ठीक, तो वाटर में रखा। अब वाटर की खासियत क्या होता है कि वाटर के लिए k का मान जो होता है वो होता है 80-81, कहीं कहीं 80 लिखा मिलता है कहीं कहीं 81, तो हम सिंपलिसिटी के लिए 80 ले लेते हैं, अर्थात वाटर के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। अब आप बताएं, अब वाटर के लिए क्या लिखा जाएगा, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इन वाटर दैट विल बी FW इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की जगह हम क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे, 80, या थोड़ी देर के लिए k ही लिखा रहने देते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे k, और इसको लिखेंगे q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसको हम अगर बोल दें कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो दोनों इक्वेशंस को जरा हम डिवाइड कर देते हैं, तो हम लिखेंगे FW अपान F नॉट करेंगे तो आप सभी लोग जानते हो कि FW अपान F नॉट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/k। आप भाग करके देख सकते हैं, इसको जब इससे भाग देंगे q1 q2 अपान r स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ बचेगा क्या, k बचेगा, और k जब बचेगा तो इसको लिख सकते हैं FW इज इक्वल टू F नॉट बटे k, अर्थात किसी मीडियम में जो फोर्स है, आप वाटर की जगह कोई मीडियम भी लिख सकते हैं,
मीडियम का मतलब ये है कि अगर हम इसको स्पेशली वाटर के लिए ना लिखें तो हम W की जगह मीडियम लिख सकते हैं, F मीडियम, M फॉर मीडियम, यहां पर भी लिख सकते हैं F फॉर मीडियम, यहां भी लिख सकते हैं F फॉर क्या मीडियम। क्या रिजल्ट ये दे रहा है? ये रिजल्ट ये बता रहा है कि मीडियम में जो फोर्स होता है वो निर्वात में जो फोर्स होता है उसका 1/k हो सकता है, हो जाता है। 1/k हो जाने का मतलब कि अगर इसको हम वाटर के लिए लिख दें तो क्या लिखेंगे, फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स इन स्पेस अपॉन, वाटर के लिए k का मान क्या होता है 80। 80 का मतलब ये हुआ कि निर्वात में जितना बल लग रहा है उसका 1/80 हो जाएगा। 1/80 का मतलब कि 1/80 गुना कम हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि अगर दो बिंदु आवेशों को हम निर्वात में रखें तो निर्वात में रखने पर लगने वाला बल मैक्सिमम होगा, और जैसे ही इन दोनों आवेशों को हम उठा के पानी में रखेंगे तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 80 गुना कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 80 गुना कम हो जाएगा। और 80 गुना कम हो जाएगा तो यह इफेक्ट हुआ मीडियम का कि अगर हम निर्वात में रहेंगे तो लगने वाला जो फोर्स है उसका 80 गुना कम हो जाएगा वाटर में लगने वाला फोर्स। और ये डिपेंड करता है किस पे करता है, मीडियम पे, कि मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है तो आपको एक और जानकारी बता दें कि ये जो के होता है इस के का मान सदैव एक या एक से बड़ा ही होता है सभी के लिए। जैसे निर्वात के लिए मैंने बताया कि के का मान 1 होता है निर्वात के लिए, मेटल के लिए, धातुओं के लिए के का मान इन्फिनिटी होता है, धातुओं के लिए के का मान इन्फिनिटी होता है और निर्वात के लिए 1 होता है, बाकी सबकी वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, बाकी सबकी वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में ही लाई करेगी। तो अब आप जरा बताओ बेटा कि अगर इस फार्मूले पे चले तो Fm इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के, क्योंकि के का मान 1 या 1 से ज्यादा है, के का मान 1 या 1 से ज्यादा है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि Fm का जो मान होगा वो सदैव लेस या इक्वल होगा किसके, F0 के। अर्थात किसी भी मीडियम में दो बिंदु आवेशों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो निर्वात में लगने वाले फोर्स से सदैव कम या बराबर होगा, कभी ज्यादा नहीं हो सकता। अर्थात कि दो बिंदु आवेशों के बीच में मैक्सिमम फोर्स तब लगता है जब वो निर्वात में रखे जाते हैं, और निर्वात से हटा करके आप किसी भी मीडियम में रखेंगे, अगर आप चार्जेस को निर्वात से हटाकर किसी भी मीडियम में रखेंगे तो उनके बीच का बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सदैव घटेगा, बढ़ेगा कभी नहीं, क्योंकि के का मान हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है। क्योंकि आप जान रहे हो के का मान अगर 1 या 1 से बड़ा होगा, ये साधारण मैथमेटिक्स है, आप जानते होंगे F0 में कुछ ना कुछ भाग देंगे तभी ये Fm का मान सदैव लेस आएगा। अर्थात याद रख लिए हमेशा के लिए कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निर्वात में मैक्सिमम होता है, किसी मीडियम में जाएंगे तो उनके बीच का फोर्स सदैव घटेगा ही, कभी बढ़ेगा नहीं। तो ये एक छोटी सी चर्चा हुई कूलाम के नियम के बारे में। अभी भी कूलाम के नियम के बारे में मैं आपको सब कुछ नहीं बता पाया हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में और इसके एप्लीकेशन के बारे में और इसकी लिमिट के बारे में बात करेंगे, और कूलाम के नियम की कुछ और खासियतें बताएंगे जो नीट JEE में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। एक नंबर में, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाना है, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा जो सीधे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिल जाया करती हैं लगभग हर साल, और बहुत मामूली सी बात है। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कैमरे के सामने है, अभी थोड़ा सा हमारा फ्लो नहीं बन रहा है, जो बच्चे हमसे क्लास में वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि हमारी क्लास कैसी होती है, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी फॉर्म में आ ही जाएंगे। वैसे भी समय छुट्टियां चल रही थी, लॉकडाउन में खूब सोए हैं इसलिए थोड़ा सा रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है, बाकी हम बातें करते रहेंगे। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा अगर व्हाट्सएप नंबर रखे हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। जिन लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा नहीं देंगे उनको, ठीक, क्योंकि आप परेशान करेंगे। ठीक, तो आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।
कूलाम के नियम के बारे में और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को सब्सक्राइब करवाइए। पूरा पेपर पढ़ाऊंगा इसी पे, न्यूमेरिकल भी बताऊंगा सारा इसी पे, और जब क्लास में आप आएंगे, जब मोदी आज्ञा देंगे ना आने के लिए, तब हम लोग क्लास में भी आएंगे और क्लास में भी धूम मचाएंगे। तब तक यूट्यूब पर आप देखते रहिए, न्यूमेरिकल लगाते रहिए। जो हमारी क्लास से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लगभग सभी के पास मेरा नंबर है, ठीक। और जो लोग बाहरी देख रहे हैं वो इंतजार करिए व्हाट्सएप नंबर का। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लाइव भी आपसे इंटरेक्ट होना है जल्दी, ठीक। गुड बाय।